हाय एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी चाइनीज सेवियाँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने उबलते हुए पानी में डाला है एक छोटा चम्मच तेल और एक छोटा चम्मच नमक। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेवियाँ। ये रोस्टेड सेवियाँ नहीं है, बिल्कुल प्लेन सेवियाँ हैं। ये मैंने एक कप लिया है, वो इसमें डाल देंगे और एक से दो मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे, क्योंकि ये सेवियाँ बहुत जल्दी पक जाती हैं। इनको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये चिपचिपी बन जाएंगी। तो दो मिनट हो गए हैं, हमारी सेवियाँ जो हैं अच्छे से पक गई हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर लिया है, इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दो ग्लास ठंडा पानी, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब फिर से कढ़ाई में डालेंगे हम दो बड़े चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई रखनी है। अब ऐड करेंगे एक स्लाइस्ड अनियन। अनियन को हमने अच्छे से पकाना है। बस एक मिनट के लिए अनियन्स को पकाने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप गाजर। गाजर को भी हमने कम से कम एक मिनट के लिए पकाना है। जब गाजर अच्छे से पक जाएंगी, तब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप शिमला मिर्च और एक कप पत्ता गोभी। पत्ता गोभी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही क्रंची लगती है ये सेवियाँ। अब फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और एक से दो मिनट के लिए सब्जियों को हम अच्छे से पका लेंगे। बहुत ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा इन सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। इसके बाद मैं डालूंगी एक तेज छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे एक तेज छोटी चम्मच नमक, क्योंकि हम सॉसेज में भी इसमें नमक होता है और हमने सेवियों में भी नमक डाला था, इसलिए हमने नमक कम लिया है। फिर से एक बार इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे उबली हुई वर्मिसेली। और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। ये मैंने दो बड़े चम्मच सोया सॉस ली है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है और फिर से एक बार इसे मिक्स करके एक मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे दो बड़े चम्मच केचप और एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए इनको पका लेंगे, ताकि सॉसेस अच्छे से हमारी सेवियों में मिक्स हो जाएं और हमारी सेवियाँ एकदम बढ़िया बन जाए। दो मिनट हो चुके हैं, हमारी सेवियाँ एकदम बढ़िया बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे अपना कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।